सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ निराशा से संबंधित कुछ वचनों को बोलेंगे। परमेश्वर हमारी निराशाओं को दूर करना चाहता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। यदि आप पहली बार भी इन वचनों को सुन रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी निराशाओं को दूर करता है। आज संसार में कोई भी किसी की निराशाओं को दूर नहीं कर सकता, किसी की परेशानियों को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी परेशानियों को समझता है और दूर करना चाहता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब आप इन वचनों को विश्वास के साथ बोलेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपकी परेशानियों को, आपकी निराशाओं को दूर करेगा। संसार में बहुत से लोग परेशानियों में हैं। रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं और बहुत सी समस्याओं में इंसान आज पड़ा हुआ है। कोई किसी की फिक्र नहीं करता है, कोई भी रिश्तेदार हमारे काम नहीं आते, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके काम आता है। परमेश्वर मेरी और आपकी फिक्र करता है। एक ही मात्र मेरा और आपका सहारा है, वो है यीशु मसीह, जो आपसे बेहद प्यार करता है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो निश्चय वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हर एक परेशानियों को दूर करेगा। सो आइए हम विश्वास के साथ कुछ वचनों को बोलेंगे। मत्ती 11 का 28, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुएओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 9:9, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। व्यवस्था विवरण 31:8, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। भजन संहिता 46:1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 119:77, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। यर्मिया 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। भजन संहिता 33:22, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। भजन संहिता 147:3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।